हाँ जी सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल चाल है। मैं थोड़ा अपना फ्रेंड गगनदीप वधावन फ्रॉम डिक्की इंस्टीट्यूट शाहबाद मारकंडा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाइड्रोजन का कंपैरिजन विद हैलोजेंस। ठीक है, हैलोजेंस आई होप अभी तक सबको पता लग गया होगा कि हैलोजेंस जो हैं वो क्या होते हैं। हैलोजेंस कौन से एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 17 के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का कंपैरिजन अभी हैलोजेंस के साथ अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो वर्ड इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, तो सबको पता है हैलोजेंस जो है वो बहुत फेमस है नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स के लिए। मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट्स जो है वो हैलोजेंस ग्रुप के अंदर ही जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी जो है वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर को जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन, अब क्वेश्चन आता है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर हाइड्रोजन का प्रेजेंट है तो उसमें ऐसी क्या चीज है, क्या होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि मेटालिक कैरेक्टर मीन्स लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर मीन्स गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो क्या कि जो हाइड्रोजन है कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ड्यूप्लेट। ठीक है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जो हाइड्रोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लेकिन इसमें मैं जो स्ट्रेस करने वाला हूँ वो किस चीज़ पे करने वाला हूँ कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, तो इसलिए वो ड्यूप्लेट बना रहा है, इसलिए उसके अंदर जो है वो कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट हो गया, नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो डायटोमिक गैस को फॉर्म करता है। डायटोमिक गैस कौन सी होती है? जिसमें डाई मीन्स टू, एटमिक मीन्स एटम। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन डायटोमिक गैस को फॉर्म कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं कंपैरिजन विद हैलोजेंस। तो देखो हैलोजेंस भी Cl2 का फॉर्मेशन है हमारे पास F2 का फॉर्मेशन है, Br2 होता है, I2 होता है। ठीक है, तो इस चीज से हम लोगों को ये पता लग रहा है कि हाइड्रोजन जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो डायटोमिक नेचर वाली है, जैसे कि हाइड्रोजन Cl2, F2, Br2, I2 और H2। ठीक है, अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। थोड़ा सा एक मतलब आप लगा लो एक डिटेल डिस्कशन होता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंपल मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है क्योंकि वो खुश है कि वो ड्यूप्लेट बना लेगा यहाँ पे, तो एच नेगेटिव, इसलिए वो स्टेबल फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम इसका कंपैरिजन करें फ्लोरीन के साथ, तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एफ नेगेटिव बना रहा है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव बना रहा है, वैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एच नेगेटिव का फॉर्मेशन जो है वो कर रहा है। अगला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड मेटल हाइड्राइड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड मेटल हाइड्राइड्स से क्या मतलब है? ठीक है, आप ये समझ लो, देखो सिंपल, NaH ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड है तो इसलिए Na पॉजिटिव और H नेगेटिव का फॉर्मेशन जो है वो कर सकता है। ठीक है, बात समझना कि अगर हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करें, मतलब एक मैं एक्वस सॉल्यूशन लूं, उसके अंदर NaH डालूं और उसके बाद उसका इलेक्ट्रोलिसिस करूं, उसमें दो रॉड्स, एक इलेक्ट्रोड डाल के, एक जिसमें एनोड का काम कर रही है, एक जिसमें कैथोड का काम कर रही है, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो हाइड्रोजन गैस है वो H2 जो कि कहां पर रिलीज होगी, एनोड पर रिलीज होगी। कब रिलीज होगी? जब हम NaH का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं, हम लोगों ने क्लास 10th में एक ब्राइन सॉल्यूशन का जो है वो हाइड्रोलिसिस किया था, एसिड एंड बेसिस चैप्टर 2 के अंदर केमिस्ट्री में। ठीक है, उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो देखो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन मैं लूं, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, वो किस में कन्वर्ट होगा, Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, और ये Cl नेगेटिव जो है वो क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, Cl2 में जो है वो चेंज हो जाएगा। देखो इस वीडियो में जो है हम लोग कंपैरिजन विद किसके साथ कर रहे हैं, हैलोजेंस के साथ कर रहे हैं, तो इन दो रिएक्शंस पे अगर आप लोग फोकस करो, ठीक है, इन दो पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एच नेगेटिव, यहाँ पे Cl नेगेटिव, यहाँ पे H2 रिलीज हो रही है, यहाँ पे Cl2 रिलीज हो रही है, दोनों गैसेस कहाँ पे जो है वो हमारे पास रिलीज हो रही है, एनोड पे जो है दोनों गैसेस हमारे पास रिलीज हो रही हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो है वो समझ आ गया कि जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है ये शो करने वाला है। नेक्स्ट जो है मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आयोनाइजेशन से मतलब
क्या है और पोटेंशियल से मतलब क्या है, ये जो है हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक सीरीज बना रखी है, ठीक है, जिसमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये सब हम लोगों ने जो है वो अरेंज कर रखे हैं कंपेरिजन करके, कि कौन सा कितने पोटेंशियल पे जो है वो कंपेरिजन हमने किसके साथ कर रखा है, हाइड्रोजन के साथ कर रखा है, कौन सा कितने पोटेंशियल पे जो है वो अपनी रिस्पेक्टिव गैस को या वो है मेटल को जो है वो फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसमें जो कंपैरिजन है, ठीक है, ये मैं जो ये कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में जो आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं अभी के लिए आपको बता दूं जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो किस चीज का, हाइड्रोजन का, वो हैलोजेंस के साथ मिलता है। हैलोजेंस के साथ कैसे मिल रहा है, देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल अपना हाइड्रोजन का 13.5 इलेक्ट्रोवोल्ट है, फ्लोरीन का 17.4 इलेक्ट्रोवोल्ट है, क्लोरीन का 13 है, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स की, वो हाइड्रोजन की नौ अपना जो ये हैलोजन्स है उनके साथ जो है वो मिल रही है। अब जो है नेक्स्ट बहुत इजी और बहुत सिंपल है इस चीज को समझना, वो क्या कि कोवेलेंट कंपाउंड्स बना रहा है हाइड्रोजन। कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे बना रहा है हाइड्रोजन, देखो इसको ध्यान से, CH4 का फॉर्मेशन हो रहा है, SiH4 का फॉर्मेशन हो रहा है, GeH4 का फॉर्मेशन हो रहा है, ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है, कार्बन, सिलिकन और जर्मेनियम, तो ये हाइड्राइड्स बना रहा है इनके साथ। अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन में देखो CCl4 भी बन रहा है, CH4 भी बन रहा है, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन एक जैसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखो SiH4 भी बन रहा है, SiCl4 भी बन रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और क्लोरीन एक जैसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पे भी जो है वो सेम स्टोरी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब मैं तेरी जगह ले लूं, तू मेरी जगह ले ले, देखो CH4Cl जब हम लोग इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो CH3Cl बन रहा है, मतलब हाइड्रोजन कह रहा है क्लोरीन को तू मेरी जगह आ जा, मैं हट जाता हूं और ये कंपाउंड स्टेबल है, मतलब म्यूचुअली रिप्लेसेबल भी है। म्यूचुअली रिप्लेसेबल वही हो सकता है, देखो एक आदमी को कौन रिप्लेस कर सकता है जो उसके जैसा प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो म्यूचुअली रिप्लेसेबल से हम लोगों को जो है वो समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन फ्लोरीन और एक दूसरे की जो है वो जगह ले सकते हैं इस रिएक्शन में। देखो CH3Cl डालो तो CH2Cl2 आगे CHCl3, ठीक है। तो यहां पे अगर हम इस साइड चले तो एक हाइड्रोजन इसमें ऐड करें ये हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड करें ये हो जाएगा, तो इसके साथ जो है इसका फॉर्मेशन जो है हो रहा है, ठीक है। तो इससे म्यूचुअली रिप्लेसेबल प्रॉपर्टी हैलोजन्स की किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन जो है जैसे हैलोजन्स इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन जो है वो भी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन जो है वो कर रहा है। देखो NaCl दोनों कौन से कंपाउंड्स हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो आप देखो मतलब इतना वर्सेटाइल एलिमेंट है, मतलब जहां पे प्रेजेंट है उसके जैसी प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, ठीक है। सोडियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन जो है जब सोडियम के साथ प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है, सोडियम जब क्लोरीन के साथ प्रेजेंट है तो ये भी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है। अभी देखो हाइड्रोजन जब कार्बन के साथ प्रेजेंट है तो यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो जैसे CH4 का फॉर्मेशन हो रहा है वैसे CCl4 का जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है। बाकी ये इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कोई कंपाउंड इलेक्ट्रोवेलेंट क्यों होता है, कोई कंपाउंड कोवेलेंट क्यों होता है, ठीक है, ये डिटेल डिस्कशन जो है आप लोग रेफर कर सकते हो, नहीं तो मैं भी टाइम लगे तो मैं ये वीडियो बनाऊंगा जरूर इस पे केमिकल बॉन्डिंग पे, जिसमें फजान रूल वगैरह आएगा तो उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। होप आपको ये जो है वो समझ आ गया। आपको अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं, दब के लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी ये सीरीज हाइड्रोजन वाली जो है वो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है मैं उसको सिंप्लीफाई करने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे डिक्की इंस्टीट्यूट में, ठीक है। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया मेरा। चलो भाई, सत श्री अकाल।